इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इसमें सब रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं। इसके ऑब्जेक्टिव भी यही है, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें एजुकेशनली, मॉरली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और हमारे यूथ को सही डायरेक्शन दें, और हमारे देश में अमन हो, शांति हो, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के मौके मिले, जहाँ मिलजुल कर हम एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे के साथ जुट कर काम कर सकें। ये कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ से ये मेमोरेंडम दिया जा रहा है, इसलिए कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल विरोध में है और बहुत ही कम्युनल है। मैंने जो भी इसको देखेगा तो क्लियर नज़र आता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ना हो तो मेमोरेंडम आप ऊपर तक इसको पहुँचाए। कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोविजन हमको दिया गया है कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम एजुकेट करें, हम अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। एक मोमेंट में बैठ जाओ। सर सर और एक कम्युनिटी को इंसान होना तो क्या है, ये बिल्कुल ओपन, बहुत सारे तंजीम पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी इस बात को तस्वीर कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान का जनता जनरेशन है सब वो एक रहे, उसकी भाषा, उसका रस्म रिवाज, उसका तरीका, उसके ईद और दूसरे दूसरे प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, इसकी कोई बात, लेकिन भारत के संविधान का मामला जब आता है तो ये सुना ये सीधा सीधा बांटने की कोशिश करते हैं, जहाँ बंटवारा नहीं हो रहा है वहाँ फिर बांटने की कोशिश, क्या एक जरूरत है एक नया मसला पैदा करने की। तो हमारी ख्वाहिश है ये दुख है उसने अपने मर्जी से कोई मुदाशरत ना हो, हम आपका जो मूवी है सरकार केंद्र सरकार को भेज देते हैं, हमारे राज्य सरकार की तरफ से आप सिफारिश भी करते हैं, से मुतालबा करते हैं कि किसी किस्म की भी किसी भी मुल्क के रहने वालों पर, अकलियतों पर, किसी भी मसलक से मजहब से ताल्लुक रखने वालों पर जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। सबको जीने दो, जीने का मौका दो, जी और जीने का मौका दो, ये हमारा यह मकसद है। जुल्म ज़्यादती ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसके हम मुखालिफ हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पास हो चुका है और आज राज्यसभा में हुकूमत इसको टेबल करने जा रही है, ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमान और जस्टिस लविंग और पीस लविंग जो हिंदुस्तान के शहरी हैं ये सब इसके मुखालिफ हैं और सब इसके बारे में चिंतित हैं। सब चाहते हैं कि मज़हब की बुनियाद पर, रिलीजियस लाइंस पर जो यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के सिटीजन्स को डिवाइड करने की एक साजिश है, इसको नाकाम करना चाहिए और हमारा ये मुतालबा है राबता मिल्लत बेलगाम की तरफ से, जिसमें सभी समाजी, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, इनका मुतालबा है कि इस बिल को पास न किया जाए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको रद्द करें और हमारे देश में हज़ारों साल से जो मिलजुल कर रहने की और मज़हब के बुनियाद पर भेदभाव न करते हुए तरक्की करने की जो परंपरा है इसको कायम रखने की ओर वो बड़ा कदम उठाए। थैंक यू।